झारखंड प्रदेश आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर प्रोजेक्ट भवन में मंत्री जोबा मांझी से रखी मांग। झारखंड रांची प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष झारखंड प्रदेश आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन के द्वारा मंत्री जोबा मांझी से मुलाकात की और आंगनवाड़ी सेविका सहायता को लेकर चर्चा किया। मौके पर सैकड़ों की संख्या में सेविका सहायिका उपस्थित थे। सरकार के मंत्री या हमारे जो आज के कार्यक्रम जो हमारा बैठक था नियमावली पर, उसमें मुख्य रूप से सरकार द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हमारे सुदीप कुमार सोनू जी आज मीटिंग में बैठे हुए थे। उनके द्वारा भी आश्वस्त किया गया और सेक्रेटरी और डायरेक्टर साहब भी थे, तमाम पदाधिकारियों के द्वारा यह आश्वस्त किया गया कि इनको जो है महंगाई भत्ता के हिसाब से भी इनका जो है आगे इनको जो है बढ़ोतरी की जाएगी और जो यह बढ़ोतरी है 1/1/2023 से लागू की जाएगी। ये तमाम चीज़ आज हुए हैं और धीरे धीरे अन्य सरकार के अपेक्षा ये जो हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार है उस सेविका सहायिका को थोड़ा राहत देने का काम किया है और आगे हम लोग जो मूलभूत मांग है उसको हम लोग आगे भी रखने का काम करेंगे। आगे भी इस जो डिमांड है उस पर चर्चा होती रहेगी और सरकार के प्रतिनिधि से लगातार हम लोग वार्ता भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रामचंद्र पासवान, प्रदेश संयोजक, झारखंड प्रदेश। आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन झारखंड से। बताइए, संतुष्ट हैं जो अभी मिला आपको? नहीं, अन्य सरकार के भांति जैसे और भी गवर्नमेंट पीछे की रही है उनके अपेक्षा तो ये थोड़ा सा अच्छा किए हैं। जैसे जो घोषणा पत्र में थी वो तो हमको अभी तक नहीं मिली। घोषणा पत्र में 10,000 सेविका और 8,000 सहायिका को बढ़ाने की बात कही गई थी, लेकिन हुआ कितना? लेकिन सेविका जो है पहले मान लीजिए 6,400 पाती थी, आज उनको 9,000 देने की, 9,500 देने की बात हुई है और सहायिका जो 3,500-3,600 पाती थी उनको मान लीजिए कि आज 4,500 देने की बात हुई है। मतलब कुल मिला कह सकते हैं कि जो आप लोगों को मांग था वो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन हाँ कुछ राहत मिला, थोड़ा राहत मिला है और आगे आश्वासन भी मिला है माननीय मंत्री। संगठन के लोग लोग मान गए कि हाँ ठीक है। हाँ, तमाम लोग बैठे हैं, तमाम लोग साथ में बैठे हैं और सरकार के द्वारा भी यह कहा गया कि अभी हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए मैं वादा जो किया हूँ उसको धीरे धीरे करूँगा। अभी तत्काल आपके लिए बढ़ोतरी कर रहे हैं। कब तक लागू होने की बात कहिए? और 1/1/23 को इनके द्वारा माननीय मंत्री जी के द्वारा लिखित रूप में यह बात कही गई कि 1/1/23 से लागू कर दी जाए। लिखित का कुछ कागज है? हाँ, और सहायिका को 4,700 रुपया दे रहे हैं दोनों मिला करके कुल। तो जो बढ़ा रहे हैं 1900 उसमें जैसे आधा जैसे सहायिका को कर रहे हैं 4,700 और लघु आंगनबाड़ी को टोटल को 9,500 रुपये मिला केंद्र सरकार मिला कर लघु को बराबर कर। मतलब संतोष नहीं है आप लोग फिर? देखिए, इतने पर संतोष कहाँ, जो है राजा भोज कहाँ गंगुआ के लिए उन्हें साहब, हम काम करते हैं फिर भी सरकार से वो जो वादे किए कुछ बढ़ाया जाए। हाँ, अपना क्षमता से बढ़ाएँ और इनसे आशा करते हैं कि सरकार जो है सो जो 13,000 की बात की थी वो आशा है कि इनसे कि हम जो है डिमांड करते चलेंगे। हाँ, एक दूसरी बात यह है कि और लोगों की अपेक्षा ये अच्छा किए हैं सभी लोगों, जो हमारे यूनियन का संघ के लोग आए सभी संतुष्ट हैं, क्योंकि लड़ाई तो बराबर मांग के लिए तो बराबर मांगा जाएगा, लेकिन 47 वर्ष के अवधि में इन लोगों को जो है ये पहला जो है से इतना बड़ा है राज्य सरकार ने एक बार जो है मुफ्त दे दिया, इसके लिए सरकार को भी बधाई। 1900 बना। चलिए, धन्यवाद सर। और वार्ता हुई जोबा मांझी से आज, पूरे झारखंड की जो भी आंगनबाड़ी से संबंधित यूनियन है सभी के अधिकारी पदाधिकारी के साथ आज जो सरकार ने एक नियमावली का रूपरेखा बनाई है उस पर चर्चा हुई, बहस हुई और उस पर सभी यूनियन ने लगभग सहमति जताई
आज सरकार जो है आंगनबाड़ी सेविका को 9,000 और लघु आंगनबाड़ी सेविका जो जिसको इसके पूर्व में सेविका से कम मिलता था उनको भी 9,000 और सहायिका को 4,500 रुपये करने का काम किया। इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। लेकिन सरकार ने जो अपने घोषणा पत्र में जो बढ़ोतरी की घोषणा की थी शायद उससे हम काफ़ी पीछे हैं और हम लोग लगातार यह डिमांड भी करते रहेंगे। और सरकार ने जो यह कदम उठाया है नियमावली में सेवा शर्त पर भी इनकी अच्छी पहल है और 10% जो है सरकार के मंत्री या हमारे जो आज के कार्यक्रम जो हमारा बैठक था नियमावली पर उसमें मुख्य रूप से सरकार द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हमारे सुदीप कुमार सोनू जी आज मीटिंग में बैठे हुए थे उनके द्वारा भी आश्वस्त किया गया और सेक्रेटरी और डायरेक्टर साहब झारखंड सरकार के द्वारा नियमावली का प्रारूप हमारे झारखंड के आंगनबाड़ी से संबंधित सारे यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता हुई। मोबाइल में हम भेज देंगे। सारे यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता हुई और वार्ता में यह निष्कर्ष निकला कि आंगनबाड़ी सेविका को 9,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे और जो लघु आंगनबाड़ी सेविका हमारी थी जिनको बहुत ही कम मानदेय मिला करता था उनको भी हम लोगों ने पहल किया। सभी यूनियन के पदाधिकारियों ने पहल किया उनको भी अब 9,500 ही मिलेंगे। जो हमारी सहायिका हैं उनको 4,750 रुपये प्रति माह मिलेंगे और फिर महंगाई वृद्धि को देखते हुए 10% जो है वृद्धि की जाएगी उसकी भी कमेटी ने घोषणा की और सेविका जो 62 वर्ष तक अस्थायी रूप से हमारी सेविका जो नियुक्त की गई है उनको 62 वर्ष तक अनवरत उनकी नियुक्ति रहेगी। उनको लघु दंड के रूप में अगर वित्तीय अनियमितता की मामला होती है तो उनको 3 वर्ष का इंक्रीमेंट काटा जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि चयन मुक्त कर दिया जाए, उनका इंक्रीमेंट काटा जाएगा। उनका मान लीजिए कि मानदेय कुछ जो हम लोग का डिमांड था कि अगर बहुत गलती की है तो उनका मानदेय काट दीजिए, उनको चयन मुक्ति की बात नहीं होगी। केंद्र और राज्य मिलाकर टोटल सेविका को अभी कितना पैसा मिलेगा और कब से मिलेगा? 9,500 सेविका को केंद्र और राज्य दोनों मिलाकर मिलेगा और 1/1/2023 से अव्यवस्था लागू हो जाएगी जो आश्वासन दिया गया है और ड्राफ्टिंग कमेटी में इनको 180 दिन का मातृत्व अवकाश का लाभ भी मिलेगा सहित विशेष अवकाश भी इनको 2 दिन का मिलेगा और बाकी जो इनकी अवकाश है पूर्व से जो सरकारी स्तर पर अवकाश है वो अवकाश इनको मुहैया होंगे और अन्य सुविधा में भी इनकी जो है 10% महंगाई के रूप में प्रत्येक वर्ष इनको मिलने की बात कही गई है। अब यह व्यवस्था 1/1/2023 से लागू होगी। सारे यूनियन साथ में थे? हाँ, सारे यूनियन साथ में थे। सबकी सहमति बनी थी? सबकी सहमति से बात कंप्लीट हुई और सब लोगों ने सहमति जताई। जैसा कि आप तमाम सेविका सहायिका बहनों को पता है कि पूर्व में हमारी जो सरकार थी उसके विरोध में सेविका झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन ने लगातार 4 वर्ष तक इसका संघर्ष किया। उसका परिणाम है कि आज 80,000 सेविका सहायिका का जो 47 वर्ष में जो है सो कछुए के चाल से पैसा को बढ़ाया जा रहा था इस सरकार से आज 9,500 रुपया कराने का काम किया सेविकाओं का। 4,750 रुपया सहायिका 4,750 रुपया सहायिका का और लघु आंगनबाड़ी को बराबर का पैसा मिला जो हम लोग बराबर कहते थे कि आपको बराबर कर दिया जाए और उनको भी 9,500 रुपया उनका भी मानदेय वृद्धि हुई। दूसरा चीज़ है कि आज सरकार ने रिटायर सेविका के लिए भी जो है से प्रावधान किया गया, उनको पेंशन के लिए 1 महीना के अंदर उसी रिटायर करेगी वो जो है से 1,000 रुपया और उसके अलावा जो है सो उनको जो पीएफ कटेगा उसमें जैसे उनको पैसा जैसे दिया जाएगा इसका भी 10% 10%
और इसके अलावा गर्मी का छुट्टी आपको जो 180 दिन जो मातृ छुट्टी जो जारी होता था उसको 90 दिन किया गया। तमाम चीज़ें जो है से नियमावली के साथ अंदर में समझा दिया गया और आज जो है से सभी जो भी संघ आए सभी को हम लोगों ने लेकर के सबसे बड़ा संघ जो आज है तो झारखंड आंगनबाड़ी वर्कर्स है, इसका एक दायित्व तो बनता था कि हम सभी छोटे बड़े को लेकर करके चले, किसी को छोटा नहीं समझे, भले अपने आप में जो भी समझे उससे हम लोगों का आदि नहीं है। हम ये जो है से बड़ा लीडर बड़ा दिल रखता है और सेविका सहायिका भी इसमें जैसे बड़ा दिल रखता है। सभी छोटे भाइयों को जो हमारे पासवान जी हैं संजय पासवान को गर्मा से हैं और लोग हैं सभी का जैसे काम आज हुआ। आज मुख्यमंत्री ने हम लोगों को बधाई दिया और भी कहा लड़ाई तो जारी रहेगा क्योंकि देखिए इतने से हमारा अगली लड़ाई है हमारा दिल्ली का और केंद्र सरकार से हमें लड़ाई लड़ना है जो कि हमारा टारगेट है कि 24,000 केंद्र सरकार जैसे 24,000 दोनों मिला के 24,000 का मानदेय दे आंगनबाड़ी सेविका 15,000 सहायिका को, इस तरह से अगला टारगेट है। अक्टूबर में हम दिल्ली का तैयारी करेंगे। मैं बालमुकुंद सिन्हा झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन प्रदेश का।